मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में सेकेंड यूनिट में जो हमारा चैप्टर है स्पीशियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास जो थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले ये चीज देखी थी कि विशेष प्रकार के ग्राहक होते क्या है। विशेष प्रकार के ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जो सामान्य ग्राहक नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। ग्राहक में जो हम लोग प्रकार देख रहे थे, हम लोगों ने देख लिया था अवयस्क। अवयस्क कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ठीक है, वह उसका भी बैंक का खाता खोल तो सकता है, लेकिन उसके संबंध में बैंक को क्या प्रावधान है और क्या सावधानियां बरतनी है वो चीज हम लोगों ने देख ली थी। पागल व्यक्ति, देखिए इनिशियल स्टेज पे अगर बैंक को अगर पता पड़ जाता है कि पागल व्यक्ति है तो वो इनिशियल स्टेज पे उसका खाता ही नहीं ओपन करेगा, लेकिन जब उस व्यक्ति का खाता खुला था तब वो एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन जब बाद में कुछ समय व्यतीत हो गया उसके बाद में पता पड़ा कि भाई वो व्यक्ति जो है वो मेंटली साउंड नहीं है, पागल है, उसको पता ही नहीं है कि उसमें क्या सही है और क्या बुरा है। ये ट्रांजेक्शन करने से उसमें क्या प्रॉफिट है या उसमें क्या लॉस है, तो वो हो गया पागल व्यक्ति। जब तक पता चल जाता है तो उसके कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं पता चल पाता है और अगर वो ट्रांजेक्शन हो जाता है तो भुगतान खुद लेने आ रहा है और बैंक को नहीं पता पड़ा है तो वो ट्रांजेक्शन चल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हम लोग विवाहित महिला की, मैरिड वुमन भी उसका बैंक में खाता जो है वो खुलवा सकती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बैंक को क्या सावधानियां रखनी है हम बात उस पर करते हैं। बैंक को सावधानियां ये रखनी है कि इन केस ऑफ मैरिड वुमन के केस में वो एक खाता खुला सकती है, उसके अंतर्गत वो पैसा जमा करा सकती है और उसकी जितनी जमा राशि है उसको वो निकालने का भी उसके पास में अधिकार रहता है। अब बात करते हैं कि बैंक की लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। अगर मैरिड वुमन अगर अधिविकर्ष या लोन की सुविधा के लिए वो आवेदन करती है तो उस केस में बैंक को सोचना समझना चाहिए कि वो अधिविकर्ष जो है अगर वो बैंक मैरिड वुमन को दे देती है क्या उसके पास में कैपेसिटी है कि वो उसको रीपे कर पाए। लोन उसको प्रोवाइड कराया गया है, उसके पास कोई ऐसी संपत्ति है, किसके पास? विवाहित महिला के पास, कि उस लोन को बैंक वापस रिकवर कर पाए। इन केस ऑफ मैरिड वुमन बैंक उसके पति के नाम की कोई भी संपत्ति उस पर अधिकार नहीं जमा करके कह सकती है कि भाई ये आपकी जो महिला आपकी जो धर्मपत्नी है आपकी धर्मपत्नी ने बैंक से अधिविकर्ष लिया था, बैंक से लोन लिया था, तो उसको वो रिपे नहीं कर पा रही है और इस कारण से हम आपकी सुख सुविधा आपकी जो संपत्ति है उससे हम लोन रिकवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ लोन रिकवरी तो बैंक जब लोन दे रही है तो उस समय पे जो सिक्योरिटी रख रही है तो उसको देखना चाहिए कि उसका टाइटल जो है वो मैरिड वुमन विवाहित महिला के नाम पर ही होना चाहिए। उसकी कोई भी संपत्ति को बैंक बेच सकता है, बट इन केस विवाहित महिला का मंगलसूत्र हुआ हो उसके एवज में अगर लोन दिया है वो बैंक जो है उस मंगलसूत्र का विचार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए किसके केस में? इन केस ऑफ विवाहित महिला। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है निरक्षर व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन, जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो भाषा को पढ़ नहीं सकता है न लिख सकता है, ठीक है, बोल तो सकता है, निरक्षर व्यक्ति हुआ तो क्या होगा, वो बोल तो सकता है। अब बात करते हैं इलिटरेट पर्सन के केस में क्या बैंक को सावधानी रखनी चाहिए। इलिटरेट पर्सन जो है उसको पढ़ना और लिखना नहीं आता है, ठीक है, वो जाता है बैंक में खाता खुलवाना खुलवा सकता है, लेकिन इलिटरेट पर्सन जो है उसका थंब इंप्रेशन जो है वो एज अ सिग्नेचर की तरह यूज आएगा। बैंक जाएगा उसका फोटो दे सकता है, देन उसका वो
फार्म इम्प्रेशन है वो यूज आएंगे। चलिए अब बात करते हैं